बढ़ते आगे। बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 10 के चंदन विहार में खाली प्लॉट इन दिनों लोगों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। यह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के चलते लोगों को खतरनाक बीमारियों का डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम को शिकायत की, उनकी तरफ से सफाई कराई गई, लेकिन लोगों ने फिर से कूड़ा डालना शुरू कर दिया। वहीं निगम पार्षद कल्पना झा का कहना है कि समय समय पर इस खाली प्लॉट में जेसीबी लगाकर सफाई कराई गई है। अधिकारियों को बोलकर प्लॉट मालिक पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। निगम साफ सफाई कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। और जो पीछे आप देख रहे हैं, ये गंदगी का अंबार सा हो गया है और कई बार एमसीडी ने इसको सफाई भी करवाई है, परंतु लोग जो है वो अपनी आदतों से मजबूर हैं और कूड़े की गाड़ी आने के बावजूद यहाँ पे कूड़ा का डंप करते हैं, जिसके कारण जो है सो गंदी जो है सो स्मेल आनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे आप खुद भी देखे होंगे कि यहाँ कितने बार जेसीबी डोजर एलसीडी का आके पूरे काम किया है और सफाई किया है। आज सफाई करके चूना डाल के यहाँ से निकलते हैं, दूसरे दिन कूड़ा का ऐसे ही अंबार यहाँ का पब्लिक लगा देता है। तो सिर्फ एमसीडी और सरकार का सिस्टम ही नहीं कर पाएगा, जब तक पब्लिक खुद जागरूक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। के जो सामने में बड़ा सा खाली प्लाट है, उसमें कई बार मैंने निगम के द्वारा कूड़ा भी उठवाया ट्रैक्टर के द्वारा, वो हमारे पास फोटो भी है, और उसमें एक बार पानी भी पूरा भर गया था, पाइप भी लगवाई थी मैंने कि बड़े नाले में पानी भी निकल जाए, लेकिन खाली प्लाट है, लोग मानते भी नहीं है। लेकिन अगर एमसीडी की जिम्मेदारी है कि उसको साफ सफाई करवाने का, तो आसपास के लोगों का भी जिम्मेदारी है उसको साफ सुथरा। वहीं दिल्ली के नजफगढ़ में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। बाहरी इलाकों में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। यहां लॉकडाउन में धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा था, रातों रात जमीन काटकर कॉलोनियां बनाई जा रही थी, बिल्डिंगों को तैयार किया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण कर कार्रवाई की है। ये अनऑथराइज कॉलोनी का इशू है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में अचानक इलीगल प्लॉटिंग और कॉलोनाइजेशन होती हुई पाई गई, पटवारी द्वारा रिपोर्ट किया गया, तो हमने उसके ऊपर रेस्टेंडमेंट ऑर्डर पास कर रखे थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो इलीगल हो रही है वो रुक नहीं रही थी, इलीगल प्लॉटिंग हो रही थी। तो डीएम साउथवेस्ट सर से परमिशन ले करके उसको डिमोलिश किया जा रहा है ताकि ये लगाम लग सके। वहीं दिल्ली में अब पानी की किल्लत खत्म हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने यमुना किनारे पायलट प्रोजेक्ट भी बनाए थे, जिसमें यमुना नदी का पानी स्टॉक किया जा सके, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट बनने के बाद यमुना नदी का जल स्तर नहीं बढ़ा, इसलिए उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाया। वहीं इस बार अनुमान यह है कि यमुना में जल स्तर बढ़ेगा और पायलट प्रोजेक्ट जो यमुना किनारे बनाए गए हैं उनके अंदर भी पानी भर सकता है। यदि पायलट प्रोजेक्ट में पानी स्टॉक होता है तो दिल्ली का जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ सकता है। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी देने से मना कर दिया था, जिसके चलते पानी की किल्लत देखने को मिली थी। वहीं मॉनसून से पहले मौसम विभाग ने चेताया है कि दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ सकता है। बहुत ही बढ़िया काम है और मैं तो कहता हूँ दिल्ली सरकार को अगर मेरी बात जाए तो इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और बढ़ाया जाए, जैसे कि महाराष्ट्र में बरसात के पानी को रोक के पीने का पानी बनाया जाता है। हमारा अरबों खरबों लीटर पानी जमुना के जरिए समुद्र में जाके बेकार हो जाता है। इस पानी को थोड़ा रोकने के लिए यहाँ जो दिल्ली वासियों के लिए पानी इतना रोका जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि आप देख सकते हैं, दो तीन दिन जो पीछे बरसात हुई है वो बरसात के बाद जो हरियाणा से पानी छोड़ा गया है, पहले अमोनिया की मात्रा ज़्यादा थी तो दिल्ली में जल संकट था। अभी आप मैं दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हो सामने की तरफ पूरी यमुना वजीराबाद से लेकर आप पल्ला तक जाएंगे तो आपको इस तरीके मिलेगी। और अब से एक हफ्ता पहले स्थिति ये थी कि लोग इस पार से उस पार पैदल ही पार कर जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो पानी आया दिल्ली के लिए शुभ संकेत है। जो पानी की दिक्कत दिल्ली में चल रही थी उससे राहत मिली है। वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां रात के सरेआम
युवक की चाकू से गोद कर और गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू चलाए जा रहे हैं। चलती फिरती व्यस्त सड़क पर पहले दो बदमाशों ने युवक को चाकू से छल्ली किया और उसके बाद एक बदमाश उसे गोली मारकर मौके से फरार हो गया। हमले के तुरंत बाद ही युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्याकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक इलाके के एक युवक के लापता होने पर परिजनों ने हंगामा करते हुए चक्का जाम किया। गायब युवक के झगड़े का एक वीडियो परिजनों को मिला है, जिसके बाद परिजनों ने बेचैनी जाहिर की है। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या हो सकती है। पुलिस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है। परिजनों ने हंगामा किया तो थाना आदर्श नगर और थाना जहांगीरपुरी की पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिलाया कि युवक की तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने वीडियो के आधार पर एक गार्ड को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस वाले ने कहा 365 का मुकदमा दर्ज हो गया है, बच्चा अंदर है ही नहीं, बच्चा का लापता है, बच्चा कहीं मिल नहीं रहा है। सुबह 6 बजे लापता है। दिल्ली पुलिस का ये कार्रवाई है। हम सबको आश्वासन दिया है जो हमें कुछ वक्त दो, हम कार्रवाई करके आप लोगों को दिलासा दे रहे हैं, हम पूरा कार्रवाई करेंगे। तो दिल्ली स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।